गाइज़ हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। गाइज़ आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस स्टेटिक्स के पेपर के बारे में, और ये पेपर है 2018 का। ठीक है गाइज़, ये पेपर मार्च 2018 का पेपर है और यह है हमारा स्टेटिक्स का पेपर। ठीक है गाइज़, तो स्टेटिक्स में कुछ न्यूमेरिकल है, इनका हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये तो दो जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस हैं, ये तो थ्योरेटिकल हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है गाइस। और यहाँ पे देखो, मैं एक बार आपको रीड करके दिखाऊंगा। ये हमारा CCS यूनिवर्सिटी और एग्ज़ाम हुआ था 2018, मार्च 2018 का पेपर है स्टेटिक्स का, BCom फर्स्ट ईयर का। तो इसका मैं सोल्यूशन करके दिखाऊंगा पूरे कंप्लीट पेपर का, और ये जो सोल्यूशन होगा कई पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है गाइस, तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि 100 विद्यार्थी हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 100 है, और 100 स्टूडेंट्स का क्या हुआ गाइस कि जो एवरेज है, 100 विद्यार्थी हैं और उनका जो औसत है वो 40 था, किंतु बाद में पता चला, क्या पता चला कि 53 अंक गलती से 83 पढ़ लिया गया। मीन्स जो करेक्ट वैल्यू थी वो थी 53, और हमने रॉन्गली क्या पढ़ लिया, उसे रीड कर लिया 83। और शुद्ध, अब हमें क्या करना है, शुद्ध प्राप्त अंकों के अनुसार सही माध्य वैल्यू ज्ञात करनी है। मीन्स जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पे 100 है, लेकिन हमने क्या करा कि यहाँ पे वैल्यू को गलत रीड कर लिया है, मिस रीड कर लिया है। ठीक है, हम लोग इसका सोल्यूशन चेक करते हैं कि किस तरह से वैल्यू यहाँ पे इसका सोल्यूशन होगा। देखिए गाइज, सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, एन एन कितने हैं हमारे, 100। और जो फिलहाल, यानी फिलहाल जो हमारा यहाँ पे रॉन्ग, जो रॉन्ग हमारा अर्थमेटिकल मीन यानी कि एवरेज है वो 40 है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला क्या है हमारा, सिग्मा या एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। उसके बाद क्या करेंगे गाइज कि एक्स बार इसमें गिवन है, ये दो वैल्यू तो गिवन थी ऑलरेडी। ठीक है गाइज, ये गिवन है, तो यहाँ पे फॉर्मूला एक्स बार की वैल्यू कितनी है, 40, और सिग्मा एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन एन कितने, 100। ठीक है गाइज, तो यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे। ऑल्सो सोल्यूशन करने के बाद जो हमारे यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी गाइज यहाँ से सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स का मतलब जो हमारा रोंग, यानी कि जो रोंग टोटल था, गलत जो योग है, गलत योग, ठीक है, वो कितना है गाइज, यहाँ पे हमारा जो गलत योग है वो है 400, 4000। अब गाइज मिस्टेक क्या हुई थी कि 4000 में हमने क्या कर दिया कि एक वैल्यू थी जो गलत थी 83, तो इसमें से माइनस करेंगे 83, और इसमें सही वाली वैल्यू जो है प्लस करेंगे, प्लस कितना करेंगे, 53। देखो गाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने क्या करा था तो वहाँ पे 53, लेकिन 53 को गलती से 83 पढ़ लिया गया था। अब करेक्ट मीन कैसे आएगा, करेक्ट मीन ऐसे आएगा कि जो हमारी टोटल वैल्यूज़ थी, हमारी जो टोटल वैल्यू थी वो 4000 थी। अब 4000 में से जो हमने गलत रीड किया था, रॉन्गली रीड किया हुआ है, उसे तो माइनस करेंगे, और जो हमारी करेक्ट वैल्यू है वो इसके अंदर हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है गाइस, ये प्लस करने के बाद अब जो दोबारा नए वाला जो टोटल आ रहा है, मीन्स करेक्ट टोटल जो आ रहा है ना, जो करेक्ट टोटल आ रहा है वो 3970 आ रहा है। मीन्स ये हमारा न्यू टोटल है। अब हम दोबारा से अगेन क्या निकाल लेंगे, एक्स बार की वैल्यू, एक्स बार की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, एन हमारे 100 ही रहेंगे। ठीक है गाइस, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 39.7। ठीक है गाइस, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।